बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में जिन छात्राओं का नाम प्रथम सूचना पत्र में आ चुका है, जो भी छात्राएं अपना इंटरमिशन लेटर डाउनलोड कर चुके हैं कि उनका किस कॉलेज में नाम गया है, तो आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स किसी भी संकाय के अगर आप छात्र हैं और आपको कॉलेज में नाम आ चुका है, तो आपको कॉलेज में जब आप जाकर ऑफलाइन एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और जिनका नाम प्रथम मतलब चयन सूची में नहीं आया तो वो क्या करेंगे, उसका किस प्रकार से नाम आएगा, आगे वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी एडमिशन करवाना चाहते हैं उसको भी इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जो भी इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स या वोकेशनल के छात्र, उन तमाम छात्रों का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में चयन हो चुका है कि उनको मालूम चल चुका है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उन तमाम छात्रों का ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। सो आप यहाँ पर इसने 18 अगस्त के अंदर आपको एडमिशन लेना है। तो आप जो भी OFSS की 6 प्रति, इसमें अगर मैं आपको बता दूँ स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जब आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे जिस रिसीविंग से आप इंटरमिशन डाउनलोड किए थे वही रिसीविंग होता है OFSS की 6 प्रति, तो इसका 6 प्रति आपको लगेगा। उसके बाद इंटरमिशन लेटर की 6 प्रति, जाति आयावासीय आपका करेंट होना चाहिए। अगर आप डेट चेंज करवा के देते हैं तो आपको ही आगे प्रॉब्लम होगा, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। फ़ोटो आपको 4 पीस लेना है, यहाँ पर आपको 1 या 2 पीस फ़ोटो लगने वाला है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, खाता की 6 प्रति, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट, हो सकता है कि 10वीं का एडमिट कार्ड भी लग जाए तो आपको एडमिट कार्ड भी साथ ले लेना। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, बाद में हो सकता है ऐड भी कर दूंगा। उसके बाद जो भी 10वीं पास के, जिस भी स्कूल से आप 10वीं पास किए हैं उस स्कूल में आपको मिला होगा SLC, जिसको TC बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपको TC भी लेना है। और TC लेने के बाद आपको आप देखते हैं कि एडमिशन चार्ज, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कितना एडमिशन चार्ज लगता है वो भी आप यहाँ पर लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, SLC यानी TC जिसको बोलते हैं, अगर वो आप जिस स्कूल में मैट्रिक पास किए उसी स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको SLC नहीं लगता है। अगर जिस स्कूल में मैट्रिक पास किए उसके अलावा दूसरे स्कूल में मतलब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको SLC की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए और 18 तारीख के अंदर जाकर एडमिशन करवा लीजिए। उसको यहाँ से नीचे आएंगे तो अभी तक आपने इंटरमिशन लेटर डाउनलोड नहीं किया है कि आपका किस कॉलेज में नाम आया है एडमिशन के लिए, तो इस वीडियो को देखिए और देखकर आप आसानी तरीके से इंटरमिशन लेटर को डाउनलोड करना सीख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पूछते हैं कि अगर आपके मन में कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर WhatsApp DP 15 अगस्त जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, ये पोस्टर आप अपना मतलब WhatsApp DP के लिए पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आसानी से देखकर आप 1-2 क्लिक के अंदर इस तरह का आप अपना फोटो डालकर बनाना सीख सकते हैं। ये भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जो भी आपका मर्जी है वो आप यहाँ से देखेंगे और इसको पढ़ लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। और एक बात आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यहाँ पर आपको इंटरमिशन जो डाउनलोड होता है उसमें आपको पूरी जानकारी हिंदी में लिख रहती है, तो एक बार आप ऊपर से नीचे शुरू से लेकर अंत तक जरूर रीड कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं, अगर रीड नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो और मैं आपको बता दूं, जिनका नाम प्रथम चयन सूची एनम प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं है उस विद्यार्थी को इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरे मेरिट लिस्ट का, क्योंकि उनका मार्क्स कम होगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसके अनुसार आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही दूसरा मेरिट लिस्ट आता है तो वहाँ से आप चेकआउट करेंगे तो आपका नाम होगा। अगर दूसरा में भी नहीं होता है तो तीसरा में होगा, अगर तीसरा में भी नहीं होता है तो आपको एस्पोर्ट एडमिशन की वहाँ से डेट जारी की जाएगी, तो आपका एस्पोर्ट एडमिशन लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और आपके मन में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।